जय हिंद स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टैलेंट टेस्ट, दैट मींस सिल्वर मिरर टेस्ट। टोटली व्हाट इज टैलेंट रिजल्ट, व्हाट इज एप्लीकेशन एंड व्हाट इज यूजेस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम रीड करते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की जब बातें आती हैं तो वहां पर आपका टैलेंट टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए हम बात करते हैं व्हाई टैलेंट टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट मींस इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। ये जो टैलेंट टेस्ट की बात करने आप चल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट्स है आपके मेन एग्जाम, दैट मींस बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं, और साथ में जब आप लैब में जाते हैं, लेबोरेटरी वर्क करते हैं, वहां पर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, दैट मींस वहां पर भी आपको क्या करनी होती है, टेस्टिंग करनी होती है। तो आइए हम बताते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके सीधा सीधा एग्जाम में आते हैं और लैब में हमें क्या करना होता है। तो उसके लिए आपको पूरी वीडियो अच्छे से देखना होगा और सारी बातें आपको समझ में आएंगी कि टैलेंट टेस्ट क्या है और कैसे हम करते हैं। मेनली आपके एग्जाम्स की हम बात करते हैं तो क्वेश्चन आपके पास हो सकते हैं डिफ्रेंशिएट एल्डिहाइड टू कीटोन, डिफ्रेंशिएट एल्डिहाइड टू कीटोन फर्स्ट, दैट मीन्स डिफ्रेंशिएट प्रोपेनल टू प्रोपेनोन। आपसे ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस हो सकता है कि राइट डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड टू कीटोन, दैट मींस एल्डिहाइड और कीटोन में आपको डिफरेंशिएट करना है। प्रोपेनल टू प्रोपेनोन, दैट मींस आपको पता है जो प्रोपेनल होता है वहां पर आपका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, CHO होता है, एल्डिहाइड होता है, और जब हम प्रोपेनोन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कीटोनिक ग्रुप हो जाएगा, दैट मींस ये आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है और ये क्या हो जाएगा, कीटोनिक ग्रुप हो जाएगा। कैसे हम आंसर देंगे, दैट मींस जो आपके पास क्वेश्चंस है, जो मेनली क्वेश्चंस आते हैं, उसका कैसे हम आंसर फाइंड आउट करेंगे, कैसे राइट करेंगे, दैट मींस मुझे स्कोर भी करना है। और साथ में हम चलते हैं लैब की तरफ, लेबोरेटरी में कैसे क्वेश्चंस होते हैं। मेनली लेबोरेटरी की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर आप क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट करते हैं, दैट मींस जो आपके पास कंपाउंड है उस कंपाउंड्स में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो मे बी आपका कोई भी कंपाउंड्स हो सकता है जिसमें आपके पास क्या हो, एल्डिहाइडिक ग्रुप हो, दैट मींस एल्डिहाइड हो, दूसरा क्या हो, कीटोन हो। कैसे हम उसकी टेस्टिंग करेंगे कि जो भी हमारे पास मिक्सचर है, दैट मींस जो भी हमारे पास सोल्यूशन है, वो हमारा एल्डिहाइड है और कीटोन्स है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम रीड क्या करते हैं, टैलेंट टेस्ट, दैट मींस लैब में हम क्या करते हैं, टैलेंट टेस्ट करते हैं, और उसी टैलेंट टेस्ट के बेस पे हम बताते हैं कि जो गिवन कंपाउंड्स है वो मेरा एल्डिहाइड्स है और कीटोन है। तो आइए हम बात करते हैं जो आपका टैलेंट टेस्ट है कैसे हम करते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन यहाँ पर समझना कि हमें डिफ्रेंशिएट करना है एल्डिहाइड को कीटोन से, प्रोपेनल को प्रोपेनोन से, दैट मींस ये आपका एल्डिहाइड है, कीटोन है। लैब में हमें टेस्ट क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट करना है कि गिवन कंपाउंड्स में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम मेनली बात कर रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात कर रहे हैं कि अगर ये होंगे तो हम कौन सा टेस्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे जो फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं वो टेस्ट आपको क्या करना है, टैलेंट टेस्ट करना है। जब हम बात करते हैं कि हमें क्या करना है, टैलेंट टेस्ट करना है, तो दैट मींस हमारे पास कंपाउंड्स मिक्सचर होना चाहिए जो आप करने जा रहे हैं, और साथ में टैलेंट टेस्ट के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आपका क्या है, टैलेंट रिजल्ट। अगर हम बात करें तो टैलेंट टेस्ट के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है, टैलेंट रिजल्ट। और टैलेंट रिजल्ट क्या होता है, आइए हम बात करते हैं, इसको हम लिखते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये
ये आपका क्या है, टॉलर रीजेंट्स है। तो देखते ही हैं कि जो टॉलेंट रीजेंट्स है दैट मींस इसका स्पेशल वर्क क्या है। तो आपको बता दें जो टॉलेंट रीजेंट होता है इसका बिहेव्स, इसका वर्क क्या होता है, इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा होता है ये आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हम बात कर रहे हैं, टॉलेंट रीजेंट्स आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। दिस इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। It oxidize only aldehyde. And does not oxidize to ketone. टॉलन टेस्ट की अगर हम बात करें तो टॉलन रीजेंट्स हम लेंगे। टॉलन रीजेंट क्या है, अमोनिकन सिल्वर नाइट्रेट है। और ये कैसा होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अगर हम बात करें, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट ऑक्सीडाइज ओनली एल्डिहाइड। ये क्या करता है, ओनली एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने की पावर तो इसके पास होती है। एंड डज नॉट ऑक्सीडाइज टू कीटोन, बट कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। आइए सिंपल बात करते हैं, अगर आप लैब में वर्क कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, पहले उसकी हम बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं यदि आपके पास रिएक्शंस है उसका आंसर आउट आप कर रहे हैं, दैट मींस आंसर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो कैसे आप राइट करेंगे। मेनली आपके पास टू टेस्ट ट्यूब है, ये आपके पास ए है और ये क्या है, बी है, ए एंड बी। इसमें हम क्या करते हैं, टॉलरेंट रीजेंट्स ले लेते हैं। यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, टॉलरेंट रीजेंट्स ले लेते हैं दोनों टेस्ट ट्यूब में हमारे पास। दैट मींस जो रेड कलर हम यूज कर रहे हैं टॉलरेंट रीजेंट के लिए, टॉलरेंट रीजेंट्स ये। जो बी टेस्ट ट्यूब है इसमें हम ऐड करेंगे कीटोन, कीटोन। और जो ए टेस्ट ट्यूब है इसमें हम ऐड करेंगे एल्डिहाइड। ऑब्जर्वेशन क्या होगा, दैट मींस रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है जब आप लैब में वर्क कर रहे हैं। किस बेस पे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि दैट मींस जो गिवन कंपाउंड्स है वो आपका एल्डिहाइड है और कीटोन्स है। तो यहाँ पर देखेंगे जब टॉलरेंट रिएजेंट्स में हम एल्डिहाइड ऐड करेंगे तो इसकी जो वॉल्स होगी वे क्या हो जाएगी, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, ब्लैक कलर, दैट मींस ब्लैक प्रेसिपिटेट टाइप मिल जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। इन कंडीशन ऐसे अगर हो जा रहा है दैट मींस इट क्लियर दैट एल्डिहाइड, यहाँ पर ये क्लियर क्या हो जाएगा कि एल्डिहाइड है, बट नो चेंज इन कलर, नो चेंज इन कलर, ये आपका क्या होगा, कीटोन होगा। जब कलर में कोई चेंज नहीं हो रहा तो कीटोन है, और जब कलर में चेंज हो गया दैट मींस ब्लैकिश कलर आपको मिल जा रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट बोल रहे हैं। ठीक है, बुक में ऐसे भी राइट किया जा रहा है सिल्वर कलर, बट आपको 100% हम बता रहे हैं सिल्वर कलर जब आप लैब में टेस्ट करेंगे सिल्वर कलर आपको नहीं मिलने वाला है। आपको कैसा मिलेगा, आपको डायरेक्टली दैट मींस ब्लैक कलर फॉर्म में मिलेगा। और जब ब्लैक कलर फॉर्म में मिल जा रहा है आपके टेस्ट ट्यूब की वॉल से अटैच हो जा रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है कि वो जो हमारे पास कंपाउंड्स गिवन था वो कैसा था, एल्डिहाइड्स था। अगर इसमें कोई चेंज नहीं है दैट मींस जैसे का था वैसे ही है, वो हमारा क्या हो जाएगा, कीटोन्स हो जाएगा। तो लैब में हम क्या कर सकते हैं, इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं, लैब में हम इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। बट यहाँ पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें और आपके लिए हैं कि लैब में कभी कभी आप क्या करते हैं, टेस्टिंग करेंगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ओके, क्लियर, ध्यान से सुनना, आप टेस्टिंग करेंगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको परेशान नहीं होना है। मे बी आप क्या करते हैं लैब में क्या देखते हैं, लैब में डायरेक्टली आपके पास एक बॉटल्स होगा उसमें लिखा होगा टॉलरेंट रीजेंट्स, राइट किया गया होगा टॉलरेंट रीजेंट। आप क्या करेंगे, एल्डिहाइड में ऐड करेंगे टॉलरेंट रीजेंट, आपको रिजल्ट नहीं मिला तो आप
सोचे कि दैट मीन्स ये टेस्ट हमारा क्या हुआ है, बेस्ट है, कोई मीनिंग नहीं है, आपको क्या करना है इन कंडीशन, अगर ऐसे होता है तो आप क्या करेंगे, फ्रेशली टॉलरेंट रिजल्ट बनाएंगे, फ्रेशली टॉलरेंट रिजल्ट्स आप लैब में बनाएंगे, और लैब में टॉलरेंट रिजल्ट्स बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा वर्क नहीं करना है, आप क्या लेंगे, सिल्वर नाइट्रेट, ध्यान देना, हम क्या ले लेंगे, सिल्वर नाइट्रेट ले लेंगे, और सिल्वर नाइट्रेट्स की रिएक्शन हम कराएंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, और ये आपका प्रेजेंट होगा एक्सेस अमाउंट में, ये आपका किसमें प्रेजेंट होगा, एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा, और जब आप रिएक्शन कराएंगे तो आपको मिल जाएगा AcNH3 होल ट्वाइस प्लस, दैट मींस यहाँ पर OH क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये आपका क्या है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड टॉलरेंट रिएजेंट्स जो आपको नेक्स्ट मिल रहा है, ये आपका क्या है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड टॉलरेंट रिएजेंट, ये आपका हो जाएगा। अब इसका आप डायरेक्टली क्या करेंगे, अगेन जब आप टेस्ट करेंगे दैट मीन्स 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, मेनली फॉर और आपको ऐसे ही सप्लाई की जाती है टॉलरेंट रिजल्ट्स की, बट अगर वो टेस्ट नहीं दे रहा है तो आपके पास क्या होना चाहिए, सिल्वर नाइट्रेट होनी चाहिए, और उसकी रिएक्शन हम करा देंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, आपको फ्रेशली प्रिपेयर टॉलरेंट रिजल्ट्स मिल जाएगा, और आप उसकी जब टेस्टिंग करेंगे तो दैट मीन्स 100% वो आपको टेस्ट देगा, ये क्या हो जाएगा, जो टेस्ट ट्यूब की वॉल है ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, दैट मीन्स एल्डिहाइड है। तो अभी जैसे बिगनिंग में मैंने कुछ क्वेश्चंस की बात की कि हमें क्या करना है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को डिफरेंशिएट करना है, अलग अलग करना है, तो हम इस टॉलरेंट टेस्ट से क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये तो मेरा वर्क था किसके लिए, लैब के लिए, ये मेरा वर्क किसके लिए था, लैब के लिए। आइए हम बात करते हैं, दैट मीन्स जब हमारे पास डायरेक्टली क्वेश्चंस होते हैं, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस होते हैं कि हमारे पास एल्डिहाइड्स है कीटोन से, उनको डिफरेंशिएट करना है, तो रिएक्शन कैसे हम राइट करेंगे, तो रिएक्शंस के लिए बेस्ट सबसे पहले इंपॉर्टेंट हम देखते हैं, बोथ एलिफैटिक एज वेल एज एरोमेटिक कंपाउंड पॉजिटिव टॉलरेंट टेस्ट, आपके पास चाहे एलिफैटिक कंपाउंड्स होगा या एरोमेटिक कोई एल्डिहाइड्स होगा, वो क्या शो करेगा, टॉलरेंट टेस्ट को शो करेगा, पॉजिटिव टॉलरेंट टेस्ट रिजल्ट देगा। मेनली होता क्या है, जैसे हमारे पास एल्डिहाइड्स है, यहाँ पर मैंने सिंपल एल्डिहाइड्स RCHO लिया है, जब इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, टॉलरेंट रिएजेंट से करा रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जो आपके पास सिल्वर, दैट मीन्स जो इसमें सिल्वर प्रेजेंट है, अगर इसको हम देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, और जो AG ये मिल रहा है, यही आपका सिल्वर मिलर टेस्ट है, AG जो फ्री फॉर्म में आ गया, यही आपका क्या है, सिल्वर मिरर टेस्ट है, तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। अब अदर कंपाउंड की अगर हम बात करें, उसके पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं कि ये 2AG सिल्वर मिरर टेस्ट, दैट मींस ये आपको ब्लैक एज एकदम सिल्वर फॉर्म में नहीं मिलने वाला है, आपको ब्लैक कलर में आपको दिखेगा, बट जैसे आप रिएक्शन राइट कर रहे हैं तो रिएक्शन राइट करते समय आप ब्लैक कलर तो नहीं दिखाएंगे ना, आप क्या दिखाएंगे, जो सिल्वर है उसका रिडक्शन हुआ है, और ठीक है, और सिल्वर हमें मेटल फॉर्म में मिलेगा, दैट मींस वही हमारा क्या हो गया, सिल्वर मिरर टेस्ट, वही हमारा क्या हो गया, सिल्वर मिरर टेस्ट है। जैसे हम कुछ अदर कंपाउंड्स लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, CH3CHO एस्टल्डिहाइड है, एस्टल्डिहाइड, अगर इसकी रिएक्शन हम कराएंगे तो आपका किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, CH3COO- में, दैट मींस NH4 हम लगा सकते हैं, ये किसमें हो जाएगा आपका, टॉलरेंट रिएजेंट TR, इसमें चेंज हो जाएगा। इन केस अगर हम क्या ले लें, बेंजल्डिहाइड ले लें, ये आपका बेंजल्डिहाइड है, और इसकी रिएक्शन हम दैट मीन्स टॉलरेंट रिएजेंट से कराते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये भी आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा, COO-, और साथ में हमें क्या मिलेगा, AG, साथ में हमें क्या मिलेगा, 2AG, दैट मीन्स यही आपका क्या बता, AG का मिलना ही, ठीक है, सिल्वर का मिलना ही आपका क्या दे रहा है, सिल्वर मिरर टेस्ट, दैट मीन्स
ये टेस्ट ट्यूब को ब्लैक कर देगा, और उसी बेस पे हम क्या बोलेंगे कि जो आपके पास कंपाउंड्स है, जो हमारे पास कंपाउंड्स है, वो कैसा है, एल्डिहाइडिक है, अगर ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है। आपको ध्यान में रखना है जो कीटोन्स होते हैं, कीटोन्स टॉलरेंट टेस्ट शो नहीं करते हैं। दैट मीन्स कीटोन्स के साथ अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो ऑलरेडी जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, वहां पर कोई भी कलर चेंज तो आपका नहीं होगा। ये बात ध्यान में आपको रखनी है। तो दैट मीन्स जो टॉलरेंट टेस्ट हम करते हैं एल्डिहाइड को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं, कि एल्डिहाइड अगर होगा तो वो टॉलरेंट टेस्ट देगा, अदरवाइज वो टेस्ट नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर एक सिंपल सी बातें और हम करते हैं, एक कंपाउंड आपके पास है एज ए एक्सेप्शन की अगर हम बात करें, क्योंकि आप जानते हैं जब केमिस्ट्री रीड करते हैं तो कहीं ना कहीं पर एक्सेप्शन भी आपको मिल ही जाता है। तो आप देखेंगे फार्मिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो होता है SCOOH। जब इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं टॉलरेंट रिएजेंट से, तो ये आपका क्या शो करता है, ये शो करता है पॉजिटिव टॉलरेंट टेस्ट। दैट मींस ये भी आपका सिल्वर मिलर टेस्ट देता है। ओके, जब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किससे, टॉलरेंट रिएजेंट से कराते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है एज ए एक्सेप्शन फॉर्म में क्या हो जाएगा, फार्मिक एसिड हो जाएगा। और अगर हम देखेंगे कि टॉलरेंट टेस्ट हम किसके लिए करते हैं, तो टॉलरेंट टेस्ट हम करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। एल्डिहाइड के लिए टॉलरेंट आपका क्या करता है, पॉजिटिव टेस्ट देता है, एंड कीटोन्स के लिए क्या देता है, निगेटिव टेस्ट देता है। दैट मीन टेस्ट नहीं देता है। एल्डिहाइड और कीटोन्स को आपस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे अलग अलग भी टेस्ट होते हैं, दैट मीन्स फेलिंग टेस्ट भी हम करते हैं। तो फेलिंग टेस्ट हम कैसे करते हैं, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मैंने दे रखी है फेलिंग टेस्ट के लिए, तो उसे भी आप देख सकते हैं। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको केमिस्ट्री की अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।